हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूँ फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज के सेशन पे जानेंगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और किस तरह से वर्क करती है। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप उसी वक्त और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट टाइप्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आपने देखी हुई हों। तो जिस तरह से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन मॉड मीडियन होते हैं, कर्टोसिस या स्क्यूनिस का फॉर्मूला है जो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मॉड मीडियन और इसी तरह से कर्टोसिस एंड स्क्यूनिस के फॉर्मूलाज और लॉजिक मौजूद है। लिहाजा जो वीडियो के लास्ट में मैं विकीपीडिया के जरिए से वो चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि वो तमाम वीडियोज आप तरतीब से देख रहे हों जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको कभी भी स्टार्ट से जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस में आने वाली है उसे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन सी एस से मुझे सर्च करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं विद ईज आप यहाँ से उनको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग फहद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई चीज़ें आप बरवक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग फहद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ों को रिकॉल करना होगा, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो टाइप्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती हैं। अगर मैं सिंपल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ पे ये जान चुके हैं कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे दो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को या तो हम सक्सेस कहते हैं या फेलियर, इसी तरह ट्रू फॉल्स जीरो वन कह सकते हैं। अगर मैं इस ट्रू फॉल्स या सक्सेस और फेलियर को कॉइन से रिप्रेजेंट करूं तो वहां पर हेड आने के जो चांसेस हैं वो 50% है, तो वो अंडरस्टूड है कि फेल होने के चांसेस भी यानी हेड ना आने के चांसेस भी 50% होंगे। और हमने प्रॉपर्टीज़ पे ये भी जाना था कि सक्सेस फेलियर इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और नंबर ऑफ ट्रायल को हम जैसे जैसे चेंज करेंगे या बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू सक्सेस की और जो फेल की हमने स्टार्टिंग पे रखी है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रॉपर्टीज़ में जो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ तो उसकी स्लाइट चेंजिंग ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रोड एक्सीडेंट की बात करता हूँ और हम उस रोड एक्सीडेंट की प्रॉबिलिटी डेंसिटी मास फंक्शन मालूम करना चाह रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं। तो किसी सिटी में या तो एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी जगह पर भी एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, रेयर हैं ना होने के मुकाबले में। तो मैं इसे पी कह सकता हूँ और ना होने को क्यू कह सकता हूँ। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को जो कि सक्सेस को यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रही है इसे क्यू से कंपेयर करूँ तो ये बहुत वेरी वेरी लेस है, यानी ना होने से होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि रोड पे अगर थाउजेंड ऑफ ट्रैफिक मूव हो रहा है तो एक दिन के अंदर 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, हैं। इसीलिए हम इस प्रोबेबिलिटी को कहेंगे कि होने के जो चांसेस है वो बहुत लेस है। अब ये बहुत लेस होने की वैल्यू उस बेस पर उस चीज़ पर बेस करेगी जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, यानी जिस तरह से मैं नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के बढ़ाने की वजह से ना होने के एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे आसान करके समझ सकते हैं कि एक घंटे में एक्सीडेंट होने के चांसेस और एक घंटे के बाद अगर मैं इसे दो घंटे या फिर 24 आवर्स से कंपेयर करूँ तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक घंटे में एक भी नहीं होता, ठीक है, या 5 होते हैं, आप 24 घंटे में जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 5 दिन में जाएंगे तो 25 हो जाते हैं। इस तरह से जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं ना होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम अपने ट्रायल्स को, एन जो यहाँ पर है वो ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायल्स को बढ़ाने पर होने के चांसेस कम से कम होते जाएं, दैट इज सेड टू बी अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ड ऑन दिस ट्रायल इंक्रीजिंग एंड जो होने के चांसेस हैं वो डिक्रीजिंग, बेस्ड ऑन दिस इसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेयर इवेंट।
आप समझते हैं डेफिनेशन और भी अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अनदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी वुडेंट बी गिवन द नंबर ऑफ द ट्रायल्स और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑन अ सर्टेन ट्रायल। द एवरेज नंबर ऑफ द सक्सेसेस will be given in a certain time interval. The average number of these successes is called a lambda. Yani iska jo distribution ka formula hai usme lambda represent kar raha hai success ki values ko and denoted by lambda. Lambda se ye denote kiya jata hai. Jo probability mass function hai iska wo kuch is tarah se hai ki Poisson distribution random variable x equal to small x एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो लैम्डा हम समझ चुके हैं कि लैम्डा यहाँ पर जो है वो सक्सेसर की वैल्यू है, एक्स जो आपको इंटरवल होने के चांसेस पे जो दिया जाएगा वो यहाँ पर वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट होती है, जबकि प्रोबेबिलिटी मास कंटिन्यूस जो डेंसिटी फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो कंटिन्यूस के लिए कहा जाता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, कॉल पर आर एट द कॉल सेंटर, नंबर ऑफ अराइवल एट रेस्टोरेंट, नंबर ऑफ द वेबसाइट विजिटर पर आर, नंबर ऑफ द नेटवर्क फेलियर पर वीक। ये डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल हो सकती है जिसमें आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ होता हुआ देख रहे हैं, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आर्स को या ट्रायल्स को बढ़ाते जाएंगे उसका इफेक्ट होने के चांसेस पे कम होता जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं और भी अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। द एवरेज नंबर ऑफ द मेजर स्टॉर्म्स इन योर सिटी इज 2 पर ईयर, यानी स्टॉर्म होने के जो एवरेज वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं एक साल के अंदर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 स्टॉर्म विल हिट योर सिटी नेक्स्ट ईयर, यानी 3 स्टॉर्म आने के एग्जैक्टली 3 स्टॉर्म आने के अगले साल पर क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 आ रहे हैं एक साल के अंदर मेजरली, हमने एवरेज देखा है, 3 आने के अगले साल पे क्या चांसेस हैं? तो कंपोनेंट हमें सबसे पहले फिगर आउट करना होगा। म्यू का मतलब यहाँ पर लैम्डा ही है, बास फॉर्मूलाज में इसे म्यू लिखा जाता है, तो अंडरस्टूड ये म्यू से भी होता है, लैम्डा है ये। तो एवरेज नंबर ऑफ द स्टॉर्म पर हर हिस्टोरिकली हमारे पास 2 गिवन है, एक्स की वैल्यू जो हमें मालूम करनी है, ठीक है, एक्स जो हमें मालूम करनी है कि 3 आने के क्या चांसेस हैं, जबकि ई जो है वो कांस्टेंट है, यूलर नंबर्स जिसको 2.71828 लिखा जाता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रैंडम वेरिएबल एक्स बेस्ड ऑन दी लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा या माइनस यू, हमने लिखा 2.71 माइनस 2, यू हमारे पास या लैम्डा 2 था, 2 की पावर 3, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया 6 जो कि यहाँ लिखा गया, इसको सॉल्व किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.18 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी 18% हमारी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर में 3 स्टॉर्म्स आपके शहर को हिट करेंगे। तो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल के साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे हम एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, लैम्डा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन भी लैम्डा है, स्टैंडर्ड वेरियंस भी लैम्डा है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन भी स्क्वायर रूट के साथ लैम्डा है। यानी अगर हमें इस फॉर्मूले में यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन मालूम करने या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने को कहा जाता है तो हम बड़े सिंपल वे से मालूम कर सकते हैं। विकिपीडिया पे इसी चीज़ को हम मज़ीद डीपली देखते हैं। तो इस वक्त विकिपीडिया पे मौजूद हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ग्राफ यहाँ पर विजुलाइज हुए हैं, तो हम इसे समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो के है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे जैसे वैल्यूज़ हमारी चेंज हो रही है उस तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको चेंज होती हुई दिख रही है। तो लैम्डा की वैल्यू सक्सेसर की वैल्यू जब 1 है तो आप इसको येलो पॉइंट से देख रहे हैं, जैसे जैसे कलर चेंज हो रहे हैं लैम्डा की वैल्यू के साथ उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रही है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसका इस तरह से होगा। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेपरेटली प्लेलिस्ट पे कर चुके हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलेगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मौजूद है, मीन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड मीडियन वेरिएंस मौजूद है लैम्डा और स्क्वायर रूट के साथ ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, स्क्यूनेस जो है 1/√ लैम्डा है, या फिर आप लैम्डा की पावर 1/2 कह सकते हैं, एंड फर्दर यहाँ पर उसके तमाम फार्मूलाज मौजूद हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बरवक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई चीज़ें हम बरवक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।